हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये पैटर्न लेके आई हूँ। इसे आप लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, शॉल, स्कार्फ, गज की टॉप, श्रग, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। दोनों तरफ से एक जैसा डिजाइन है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहें नए से नए डिजाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमें 10-10 के मल्टीपल में स्टिचेस बनाने हैं और प्लस 6 कर लेंगे तो डिजाइन हमारा सेट हो जाएगा। तो आइए बना के बताते हैं कैसे बना है ये डिजाइन। इसे बनाने के लिए मैंने ये एक बेसिक रो तैयार कर ली है, तो इसी के ऊपर आपको डिजाइन बनाना बता दूंगी। फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमने राइट साइड से शुरू करना है, तो इसके लिए हमने एक रो सिंगल क्रोशिया से बना लेनी है। ये सिंगल क्रोशिया वाली रो बना ली है फ्रेंड्स, तो अब हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। दो चेन बना के, एक और दो, दो हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं आज के लिए। इसके बाद यहां से एक दो तीन स्टिच छोड़ेंगे, चौथे में आ जाएंगे। ये एक स्टिच में हमने दो स्टिच बनाए हैं, फिर नेक्स्ट वाले में एक और दो, तीसरे में फिर से एक दो, ये छह स्टिच बना लिए फ्रेंड्स हमने इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहां पे दो चेन बनानी है, फिर से सेम पोस्ट पे आना है तो एक स्टिच बनाना है। इसके बाद एक दो तीन, तीन स्टिच बना ले। अब फ्रेंड्स, यहां पर हमने तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, और एक दो तीन चार स्टिच छोड़ने हैं, पांचवे में आ जाना है। एक एक स्टिच में दो स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में फिर से दो बनाएंगे, थर्ड वाले में फिर से दो बनाएंगे, तीन
स्टिच के अंदर हमने 6 स्टिच बना लेने हैं इस तरह से, दो दो करके। उसके बाद दो चेन, सेम पोस्ट पे फिर से 1 स्टिच, नेक्स्ट वाले पे 1 स्टिच, फिर नेक्स्ट 4 स्टिच हमने ये बना लेने हैं इस तरह से। अब हम 3 चेन बना लेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स हमने 2 चेन बनानी और 2 स्टिच बना लेने हैं और रो हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। देखिए 2 चेन करके एस स्टिच बना लेंगे। यहाँ 2 चेन बनाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ हमने 6 स्टिच बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टिच बना लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चेन करेंगे तो यहीं पे 1 और स्टिच बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए 1 चेन करेंगे, यहाँ से 1 स्टिच छोड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब 1 चेन करेंगे, ये वाला स्टिच छोड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे। 1 स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए 1, 2, 3 हमारी जालियाँ बन गई हैं। अब 1, 2, 3 3 चेन करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 चेन, सेम पोस्ट पे 1 और स्टिच। अब 1 चेन तो इसको छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, फिर इसको छोड़ेंगे यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 स्टिच छोड़ेंगे तो यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और ये एस स्टिच बना लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए। दो चेन तो ये देख यहां पे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 चेन, सेम पोस्ट पे 1 स्टिच, फिर 1 चेन इसको छोड़ के यहाँ आ गए, 1 चेन 1 स्टिच छोड़ा तो यहाँ डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 1 स्टिच छोड़ा तो यहाँ डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और सीधे हम यहाँ आ जाएंगे। ये बीच वाला सारा पोर्शन छोड़ देना है, यहाँ 6 स्टिच बनाएंगे,
चेन, सेम पोस्ट पे फिर से एक स्टिच, एक चेन, एक स्टिच छोड़कर एक चेन, एक चेन, एक स्टिच छोड़ के एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक स्टिच छोड़ के डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक स्टिच छोड़ के डबल क्रोशिया, और लास्ट में यहाँ दो चेन और स्टिच। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनेगा ये डिजाइन। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आएगा ये डिजाइन, बहुत खूबसूरत लगता है। इसे किसी भी कलर में बनाइए, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कीजिए, बड़ा प्यारा लगने वाला है ये डिजाइन। तो फ्रेंड्स, फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।